गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में देखिए, आज आप सबको वो वकील का सीखना है और उसके बारे में दोनों पेज में से आप सबको समझना है और लिखना भी है, अपनी बुक में भी और होमवर्क बुक में भी लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर वो है और उसका शब्द है वो वकील का वो। तो पहले वो करते हैं, यहाँ पर वो उसके सामने उसका शब्द लिखते हैं तो वो वकील का वो होता है, तो उसका शब्द सामने। अब नीचे देखिए, आप सबको दोनों पेज में जो लिखा है और उसका आंसर बाकी है लिखना, वो आप सबको आंसर लिखना है। सबसे पहले नीचे देखिए, आप सबको लिखना है वर्ड ढूंढकर उसके ऊपर आप सबको राउंड बनाना है। सबसे पहले इन दोनों लाइनों में से जो शब्द है वो लिखते हैं। सबसे पहले है वो, उसके बाद न, उसके बाद तो, और उसके बाद वो, उसके बाद है थो। अब दूसरी लाइन में लिखते हैं, आपको बुक्स में दो 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 लाइन ही दिखेगी। उसके बाद थो के बाद है वो, उसके बाद वो और तो और वो। अब नीचे लाइन में लिखिए, वो तो वो और हो। अब इन तीनों लाइनों में से वो ढूंढकर उसके ऊपर राउंड करना है, तो ऐसा वो वकील का वो ढूंढकर उसके ऊपर राउंड कीजिए। सबसे पहले देखिए, पहली लाइन में यहाँ पर पहले ही वो है तो उसके ऊपर ऐसे गोल राउंड कर दीजिए। उसके बाद देखिए, ये है वो तो नहीं, ये न, उसके बाद तो, और यहाँ पर देखिए ये वो है तो उसके ऊपर राउंड कर दीजिए। फिर दूसरी लाइन में देखिए, ये है वो तो नहीं, ये तो वो है तो उसके ऊपर नहीं, फिर यहाँ कीजिए वो के ऊपर, फिर यहाँ, और तीसरी लाइन में यहाँ कीजिए। अब देखिए, सारे वो के ऊपर राउंड हो गए। अब देखिए, नीचे है वो लिखना है आप सबको, उसमें रंग भरना है और बिंदुओं को मिलाकर उसको, उसमें बिंदुओं को मिलाकर वो करना है और उसमें रंग भरना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर वो है, उसके बाद दूसरे में आप सबको रंग भरना है और तीसरे में बिंदुओं को मिलाकर वो बनाना है और रंग भरना है। नीचे देखिए, पढ़ो और लिखो, आप सबको इन तीनों लाइनों में वो लिखना है। फिर पीछे है वो को वो से शुरू होने वाले चित्रों के साथ जोड़िए। सबसे पहले यहाँ पर वो पढ़ते हैं, फिर उसके साथ ऐसा राउंड बनाना है। और आपको यहाँ पर देखिए, जो शब्द है वो शब्द नहीं, उसका पहला अक्षर ही लिखना है। तो पहले यहाँ पर को पढ़ते हैं, उसके बाद वो, उसके बाद को, वो, उसके बाद है वो, फिर वो और वो। आप सबको इन बीच में जो वो है, ये वो को आप सबको इस राउंड में जो वो है उसके साथ जोड़ना है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ये वो है तो उसके साथ जोड़ दीजिए, फिर यहाँ वो और यहाँ वो। अब देखिए, सारे वो के साथ आप सबने जोड़ दिया। उसके बाद देखिए, नीचे वो के नीचे रेखा खींचो। आप सबको रेखा नहीं, उसके नीचे लाइन करनी है। वो ये छह शब्द है, इन छह शब्दों के नीचे वो हो, उसके नीचे आप सबको लाइन करनी है, अंडरलाइन करनी है। सबसे पहला शब्द है वजन, उसके बाद दूसरा है नाउ, उसके बाद है वर्ड, फिर दूसरी लाइन में देखिए श्रवण, उसके बाद है कौन और बदन। अब देखिए, आप सबको इस छह शब्दों में से वर्ड ढूंढकर वो हो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। सबसे पहले वजन में देखिए, यहाँ पर पहले ही शुरू होता है वजन, तो पहले वो आया तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नाव में देखिए, यहाँ पर वो है, फिर वट में है, यहाँ पर पहले ही वो है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद श्रवण में देखिए, श्रवण में यहाँ पर वो है तो उसके नीचे, फिर पवन में यहाँ और वदन में यहाँ।
अब देखिए सारे वर्ब के नीचे अंडरलाइन हो गई। अब आप सबको क्या करना है, तो नीचे देखिए वर्ब से अलग वर्ड हो उसके ऊपर रोम की चौकड़ी की निशानी करनी है। पहले तीन नए नित्य है, पहले है वो, उसके बाद रो, उसके बाद वो ब और ब। अब दूसरी लाइन में भी ऐसे ही लिखना है, सबसे पहले है ग, उसके बाद ब, म, ब और भ। अब तीसरी लाइन में ख, उसके बाद न, ब, ब और ख। अब आप सबको इन तीनों लाइनों में से बहुत से अलग वर्ड हो उसके ऊपर रोम की निशानी चौकड़ी की निशानी करनी है। तो सबसे पहले देखिए ये वो है तो उसके ऊपर नहीं करनी है, बहुत से अलग हो तो ये र है तो उसके ऊपर ऐसे कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये है ब तो उसके ऊपर कर दीजिए। अब देखिए पहली लाइन में तीन ब ही रह गए, उसके सारे दूसरे वर्ड दूसरे वर्ड्स के ऊपर रोम की निशानी हो गई। उसके बाद देखिए ग उसके ऊपर ऐसे कर दीजिए, फिर म, फिर ब, फिर दूसरी लाइन में ख, न, ब और ख। अब देखिए तीनों लाइनों में सिर्फ व ही है, दूसरा वर्ड नहीं है, ऐसे आप सबको करना है। उसके बाद नीचे देखिए पढ़ो और लिखो, व से शुरू हो वैसे शब्द यहाँ पर लिखे हैं वो आप सबको लिखने हैं। तो कहाँ पर, यहाँ पर लिखिए सबसे पहले भजन, उसके बाद दूसरा है वर्षा, उसके बाद तीसरा व और उसके बाद वधू। आप देखिए ये चारों शब्द व से शुरू हो वैसे शब्द है वो आप सबको अपनी बुक्स में लिखने हैं। नीचे देखिए शब्द में से वर्ड ढूंढकर उसके ऊपर रावण करना है आप सबको। सबसे पहला शब्द है वर्धी, व, र और दी। और दूसरा देखिए व, नी और ता, वर्णिता। उसके बाद देखिए चौथा शब्द है उसके बाद का तीसरा, व, रूम, न, वरुण। उसके बाद है ब, चा और व। अब देखिए इन चारों शब्दों में से वर्ड ढूंढकर उसके ऊपर आप सबको राउंड करना है। तो सबसे पहले वर्डी में देखिए, वर्डी में यहाँ पर व है तो उसके ऊपर ऐसे राउंड कर दीजिए। उसके बाद देखिए ब, वनिता का, यहाँ पर देखिए ब पहले ही है तो उसके ऊपर ऐसे राउंड कर दीजिए। उसके बाद वरुण में, यहाँ पर वो है तो उसके ऊपर ऐसे राउंड कर दीजिए। उसके बाद वो है तो उसके ऊपर ऐसे राउंड कर दीजिए। अब देखिए सारे वो के ऊपर आप सबने राउंड कर दिया, ऐसे ही आप सबको करना है। आप सबको ये दोनों पेज में से वर्ड के बारे में जो भी है और यहाँ पर जो भी है वो अपनी नोटबुक में यहाँ पर आंसर लिखना है, यानी कि जो रोम की निशानी करनी होगी तो आप सबको यहाँ पर करनी है और जोड़ना है तो यहाँ पर आप सबको जोड़ना है, ऐसे आप सबको करना है। नोटबुक में भी ये सारा आप सबको पहले से लिखना होगा।